सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल विवेक मिश्रा एचडी चैनल पर। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि सेकंड चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर तो आर रियल नंबर पढ़े 1.4 तक आपका ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था। जस्ट पॉलिनोमियल्स मतलब होता है दोस्तों बहुपद। पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या है? बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हों वो आपका ऑलरेडी बहुपद होता है। तीन टाइप्स के होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि अरे व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट्स रिलेशन, व्हाट कैंडिडेटर, सब कुछ आपको अगले प्रोसेस में यानी कि इसी के जस्ट प्रोसेस में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है। आफ्टर दैट आपको 2.1 का भी इंट्रोडक्शन विथ एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करा जाएंगे। डोंट वरी, जैसे कि आपका 1.4 में स्टार्ट था। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिसमें बहुत पद हों, जैसे कोई पॉलिनोमियल्स इक्वेशन में लिख लेते हैं, लाइक एस पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। चाहे आप इक्वेशन को ऐसे लिखिए या फिर आप पूरा लिख सकते हैं। ये देखिए हुआ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। कोई भी, जैसे हम इक्वेशन मान लेते हैं, लिखते क्या हैं कि 5x³ - 4x² ये आपका क्या है? इक्वेशन हो रहे हैं। 4x² फिर कुछ मान लेते हैं x+2, तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका पॉलिनोमियल्स आपके इक्वेशन है। पॉलिनोमियल्स क्या है? इक्वेशन। कोई भी पूछ ले तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, तो कोई भी आप इक्वेशन बता देते हैं। इसमें बहुत सारे बहुपद हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं सिर्फ एक टर्म लेते हैं, इसमें कितने टर्म हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन। अगर कोई पूछ लेता हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं, तो आप बताएंगे फोर टर्म्स हैं। जैसे 5x³ - 4x² - x² 2, ये आपका क्या है दोस्तों? फोर आपके टर्म्स हैं। जैसे कि सच एज कोई भी एक टर्म्स ले लेते हैं, तो अब इसमें देखते हैं कि आपका 5 क्या है, x क्या पढ़ा गया। इसे तो पढ़ेंगे 5x³, बट होता क्या है, ये 5 क्या होगा, 5 को क्या कहेंगे, एक्स को क्या कहेंगे, उसके बाद घात यानी कि 3 पावर 3 को क्या कहेंगे। तो आपको ये 5 क्या कहलाता है? ये आपका कोफिशियंट कहलाता है। ये 5 आपका कोफिशियंट होगा। और जो यक्स होता है दोस्तों वो वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल। और जो 3 होता है एक्सपोनेंट। चलिए तो अगर कोई पूछ लेता व्हाट इज पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, तो कोई भी आप इक्वेशन दे सकते हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर यही 2 हटा देते हैं, सिर्फ 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो 4 टर्म्स है 5x³। ये माइनस प्लस से अभी हम साइनिंग नहीं ले रहे हैं दोस्तों। तो 4 टर्म्स ले लिए, कोई भी एक टर्म्स ले लेते हैं, यही इसमें ले लेते हैं। तो 4 आपका कोफिशिएंट होगा, सॉरी कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स वेरिएबल होगा, एंड जो घात की पावर होती है 2 है, वो आपका एक्सपोनेंट पढ़ा जाएगा, वो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो लिखने का तरीका है, ये पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल्स को लिखने का रूल है, रिटर्न टू पॉलिनोमियल्स रूल को लिखने का तरीका, लिखने का रूल। तो ये पॉलिनोमियल्स जो होता है उसको लिखने का सिर्फ एक टाइप्स का रूल है। अब देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट में नाउ, अब जो है हम पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन आपकी कोफिशियंट है, आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशंस लिख लेते हैं एक बार, फॉर कॉफी सीएंट। इसमें दोस्तों कॉफी नहीं है पीना है कि कॉफी, चलिए पी लेते हैं कॉफी सीएंट। तो नाउ कंडीशन फॉर कॉफी सीएंट, इसमें क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है, एनी रियल नंबर।
जैसे कोफिशियंट क्या हो गया, इसमें कोई भी रियल नंबर, ऑलरेडी ये 5 रियल नंबर है। अब सेकंड वाला क्या है कि वेरिएबल क्या होता है, ये सॉरी ई है, ये क्या है कि यानी कि वेरिएबल क्या होता है कि नो लिमिट ऑन द, यानी कि जिस संख्या को बता रहा है उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, तो नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल का जो नंबर होता है वो उसकी लिमिट नहीं होती है। पावर एक्स है, सॉरी एक्स है ये वेरिएबल, इसकी घात कितनी हो जाएगी कोई भी कंफर्म नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, आप कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, तो आप क्या करेंगे कि हाईएस्ट टू बी एम होल नंबर, जो संपूर्ण नंबर को रखता है, फुल नंबर रखता है, वो आपका एक्सपोनेंट होता है दोस्तों। जैसे आप 2 लिखते हैं तो ये फुल मार्क्स है, मार्क्स है। अगर अंडर रूट 2 लिख देते हैं तो इसको 1/2 भी तो लिखा जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स पावर, सॉरी एक्स का पावर 1/2, यानी कि ऊपर जाता है हाफ हो जाता है, तो ये वाला नहीं होगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये आपका होगा। तो आई गेस ये वाला आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन हो गया, फिर इसमें बताते हैं उस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। मान लेते हैं कि इसमें 4 टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हुआ। अब इस टर्म्स को कहते क्या है, जैसे ये 5x³, सिर्फ एक टर्म्स ले लेते हैं तो 5 आपका कोऑफिशियंट कहा जाएगा। कोऑफिशियंट किसे कहते हैं, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर 5 है, कोऑफिशियंट, क्लियर हुआ। सेकंड आता है आपका एक्स, एक्स वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है कि इस वेरिएबल नंबर की कोई संख्या लिमिट नहीं होती है। पावर आपकी 3 है, इसे एक्सपोनेंट कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। इसे यहाँ पे 10x का पावर 10 भी लिख सकते हैं, 9 फिर 12 कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर ये निर्धारित करता है। ये इक्वेशन सही होने चाहिए बस, आपके इक्वेशन जिससे सॉल्व हो सके। तो एक्सपोनेंट क्या है कि जो संपूर्ण नंबर को रखता है वही आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट है, अन्यथा वो एक्सपोनेंट नहीं होगा। अब तो ये आपका हो गया क्या, सिर्फ और सिर्फ टर्म के हिसाब से। अब थोड़ा सा अगर आपको यहीं पे ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म ये कितने टाइप्स का होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म अगर पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो सिंगल, सिंगल आप करके पॉलिनोमियल टर्म लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टर्म, सिंगल टर्म। उसके बाद सेकेंडरी क्या कहेंगे, जैसे सेकेंडरी ही तो कहा जाता है, या फिर सेकेंड कहिए, सेकेंड टर्म एंड थ्री टर्म, इसको क्या कहते हैं, मोनो। जैसे कोई भी एक होता है उसको क्या कहा जाता है, मोनो कहा जाता है, तो ये मोनो हुआ। उसके बाद ये आपका ट्राई हो जाएगा, ये आपका बायो, आप तुरंत आगे जोड़ दीजिए, फर्स्ट को मोनो कहते हैं, सेकंड को आपको बायो कहा जाएगा, उसके बाद सॉरी बिनोमिकल, बायनोमियल हो गया, मोनो मियल, एक सेकेंड, ये देखिए मोनोनोमियल हो गया, मोनोमियल ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मोनोनोमियल, फिर बायोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। तो ये सिंगल सेकेंड एंड थर्ड, तो अकॉर्डिंग टू टर्म अगर टर्म के हिसाब से पूछा जाता है तो ये 3 टाइप्स के टर्म होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, क्यों, क्योंकि ये देखिए टर्म में
टेन तो फाइव प्रकार के हो गए, सॉरी ये फोर टर्म्स हो गए, लेकिन एक में आपका कितना है, थ्री है, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन हो गए ना। तो ये का रियल नंबर हो गया, एक उस जिसे कोफिशिएंट कहा जाता है, एक वेरिएबल, एक क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। अब डिग्री की अगर हिसाब से किया जाए तो अकॉर्डिंग टू टर्म हो गया, अगर डिग्री की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू डिग्री डालेंगे हेडिंग अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये सब सिर्फ समझने के लिए है दोस्तों, अगर आप समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड इसी से रिलेटेड आएंगे तो आप फटाफट उसे लगा लेंगे। अब क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू डिग्री के आंसर कैसे होंगे, इसे लिखेंगे डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल इज द, अब बताया जा रहा है कि डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल, पोलोनोमियल की जो डिग्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, इज द हाईएस्ट इज द हाईएस्ट कंपोजिस्ट, यानी सॉरी एक्सपोनेंट आपका होगा, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। देखो जो पॉलिनोमियल की डिग्रियां होती हैं, अभी तो टर्म की बात हो रही थी, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, तो डिग्रियां ऑफ द पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि ये वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं उसी को आपको अकॉर्डिंग टू डिग्री कहा जाता है। तो ये डिग्री ऑफ द जो पॉलिनोमियल्स होता है ये वेरिएबल की पावर को ही कहा जाता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, लीनियर, लीनियर आपकी कितने डिग्रियां होंगी, लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं क्योंकि उसी को बताया जा रहा है, पॉलिनोमियल। सेकेंड आपका क्या हुआ, फर्स्ट तो आपका लीनियर हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ा जाता है, फर्स्ट लीनियर हुआ फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब थर्ड क्या पढ़ा जाता है, फर्स्ट लीनियर हुआ जिसकी हिंदी क्या होती है, रैखिक, लीनियर मतलब क्या होता है, रैखिक द्विघात, ये आपका होगा द्विघात, बहुपद आप लगाना चाहें तो लगाते चाहिए क्योंकि इसकी हिंदी होती ही है बहुपद। उसके बाद आपका थर्ड वाला क्या आता है दोस्तों, थर्ड वाला क्यूबिक आता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये क्या कहलाता है, त्रिघात, बहु हुआ। तो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, आपको आई गेस बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी होते ही है कि लीनियर पॉलिनोमियल ये अकॉर्डिंग टू डिग्री टर्म के अनुसार हुआ, वो हुआ अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होता है कि ये जो वेरिएबल के पावर होता है हाईएस्ट पावर को ही अकॉर्डिंग टू डिग्री बताती हैं। तो लीनियर जो होता है रैखिक होता है, ये आपका जैसे ये ले लिए, ये लीनियर है, इसमें फर्स्ट होगी घात, ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, द्विघात, द्विघात का है, देखिए इसमें पावर टू है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसे 4x, देखिए x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये इसमें बन जाएंगे x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आपका किसके रैखिक यानी लीनियर में आता है, इसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए पावर डबल है, तो ये आपका द्विघाती हो गया। क्यूब में क्या होता है, यक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स इक्वल टू टी जीरो या फिर वन इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी आप ऐसा इक्वेशन बनाइए जो आपस में उसका गुणनखंड भी हो सके दोस्तों, और उसकी घात की पावर, इसमें सेकंड है द्विघात है तो आपका टू, क्यूबिक यानी त्रिघात है तो इसमें क्यूब होगा, एंड लीनियर होगा तो उसका पावर वन होगा। आई गेस अब तो आपको ऑलरेडी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां तक बना लिए। अब जीरोज ऑफ हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये आपका जीरोज थोड़ा सा बस ऑलरेडी यही होगा। चलिए हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसी में आपको बताया जाएगा। अभी तो पॉलिनोमियल पढ़ लिए, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ेंगे जीरोज पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोज पॉलिनोमियल, जैसे कि वो जीरो में होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आखिर होता है क्या, कि थोड़ा सा लिखेंगे ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द तो आप क्या लिखें, ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल, जो आपका क्या होता है इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, लिखिए वेरिएबल ऑफ वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल की वैल्यू में होता है जो कि फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच आप लगा देते हैं यानी कि जिसके लिए द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तुरंत कर देंगे ऑफ वेरिएबल यानी कि बिकम जीरो कर देंगे, बिकम जीरो। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया कि ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल की वैल्यू में होता है। एंड वेरिएबल आप समझ चुके हैं दोस्तों, इसी के पिछले वाले आपके तुरंत जस्ट हेडिंग में बताया गया था। तो वेरिएबल फॉर विच जो कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकेम जीरो, जो कि ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अब हम इसी की कंडीशन में देख लेंगे कि इसी से रिलेटेड, किससे, इसी से, आपस में ये दोनों हेडिंग रिलेटेड है। तो हेडिंग आप डालेंगे जियोमेट्रिक, आपका ये हेडिंग रहेगा दोस्तों, ये बुक्स से ही आपको बताया गया है, जियोमेट्रिकल मीनिंग, बुक निकालेंगे, बुक में जस्ट आपको ये भी मिलेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको जस्ट हम दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए आपका ये, इसके बाद जस्ट आफ्टर द पॉलिनोमियल्स में तीनों आ गए, ये आपका लीनियर रहा, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों आ गए हैं, उसके बाद आपका क्या है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसी से रिलेटेड आपका ये वाला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था दोस्तों। तो आगे आपको 2.1 मिलेगा, उसमें अलग आपको स्ट्रक्चर बताए जाएंगे, बट ये जो आपका ऑलरेडी है ये तो फर्स्ट से ही है कि जीरो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द, ये कैपिटल एम लिखेंगे, मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए यहाँ पे ईएस हो जाएगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये आपकी क्या होगी, हेडिंग होगी कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द,
ये है जीरोज ऑफ है पॉलिनॉमिकल, यानी कि जीरोज ऑफ है जो पॉलिनॉमिकल होता है, ये जियोमेट्रिकल की मीनिंग है। जियोमेट्रिकल की आपकी मीनिंग है कि उसकी जियो, ये आपका जीरोज ऑफ है पॉलिनॉमिकल। और बार बार जीरोज क्या आ रहा है, शून्य, मतलब कि जीरो जिसका वैल्यू बता, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसका वेरिएबल में वैल्यू क्या होता है कि आपका बिकम जीरो, वो जीरो हो जाता है। चलिए आई गेस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना लेते हैं, कौन से इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप बताए थे ना फिगर में, अगर आपको ग्राफ बनाना हुआ, आपको क्या बनाना हुआ, इसी से रिलेटेड आपको ग्राफ बनाने हुए। ये देखिए बताया गया है कि यू नो, आप जानते हैं दैट रियल नंबर की इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमिकल, यानी कि के नियतांक माना गया है जीरो होता है। पी एक्स, इफ पी के कुछ भी मान सकते हैं आप, पी एक्स मानिए, पी के मानिए, पी एफ मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि जो आपका इक्वेशन में दिया रहे, एक्स स्क्वायर करके दिया है तो इसका मान लीजिए, के करके दिया है तो के स्क्वायर कर सकते हैं, के मान सकते हैं, एफ वाले में एफ, जो आपका इक्वेशन दिया रहे वो कर सकते हैं दोस्तों। बट वाई आर नॉट जीरो से पॉलिनॉमिकल सो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल बी सी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल्स एंड जियोमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे दिए जीरोस बताए गए हैं कि इसको देखने के लिए हमें लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ग्राफ को बनाने होंगे, एट फर्स्ट उसको समझने होंगे। तो जैसे आपके ग्राफ्स वगैरह ये आगे दिए भी गए हैं, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका लीनियर का होगा, क्या होगा, लीनियर का, लीनियर इक्वेशन आप इसको मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन आपका है जैसे छोटा सा है, क्या है, y इक्वल टू 3x-6 हुआ, तो ये देखिए अब x का पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है इसलिए यह है लीनियर हुआ। यही 2 होता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, 3 होता तो आपका क्यूबिक हो जाता दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एग्जांपल हुआ, सबसे पहले इसका एक टेबल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। चलिए टेबल बना, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। जब x का पावर 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे when x इक्वल टू 0 रखने पर, जब यहाँ पे x 0 रख देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया तो -6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 × 0 - 6, ये तो 0 पूरा हुआ, बचा क्या -6, तो आपका -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, y के मान जब हम 0 रखेंगे, व्हेन y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x-6, 3x = 6, x इक्वल टू आपका 3x = 6, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आप रख दिए 2, ये हुआ। चलिए तो कोई भी इक्वेशन आता है, सबसे पहले आप टेबल निकाल लीजिए, दो ही पॉइंट में निकालने हैं, एक बार x का मान 0 रख देंगे, एक बार y का मान 0 रख देंगे, दोनों समीकरण से हल कर लेंगे। अब क्या बनाते हैं, हम ग्राफ पे चलते हैं, क्या करते हैं ग्राफ पे, ये रहा, ये y होता, ये x है, ये x डैश है, ओके। चलिए ये y हुआ और ये y डैश हुआ, तो नीचे वाला सारे पद ये जो होंगे, यानी कि x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, बट x डैश एंड y डैश जो डैश वाला होगा वो निगेटिव होगा, यानी माइनस मार्किंग होगी। तो ये तो मूल बिंदु है जिसका मान 0 होता ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हुआ 2, 4, 6, 8, ओके, यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे भी मान लेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक। अब यहाँ पे माइनस से लिखेंगे, -2, -4, -6, -8, वो अब यही ऐसे कंडीशन, यहाँ भी -2, -4, -6, -8,
बन गया। अब ये कह क्या रहा है कि जब x इक्वल टू हम 0 रखेंगे, यानी कि x पर हम 0 देखेंगे, ये x अक्ष हो गया, 0 पे देख लेते हैं, मूल बिंदु 0, चलिए 0, तो y -6 होता है, यानी कि x 0 और y -6, y में हम यहाँ -6 देखते हैं। चलिए तो इसका मान क्या हो जाता है, x कामा वाई ऐसे तो लिखा जाता है, एक्स वाई, सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या कर रहा है, 0, -6, ये हो गया एक्स वाई का मान। अब जब देखेंगे कि वाई 0 है आपका, चलिए ये भी वाई 0 है, और यक्स क्या है, 2 है, एक्स का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे एक्स कामा वाई लिखते हैं, तो यक्स का मान आपका 2 हो गया, क्योंकि एक्स पहले आया है, एक्स 2 है, और वाई क्या कह रहा है, 0 है, वाई आपका 0 है, एक्स आपका 2 है, तो ये आपका 2 हो गया, उसके बाद कामा 0, अब क्या कह रहा है, तो यही हम ये पॉइंट हुए और एक ये पॉइंट, ये दोनों हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, ये ऐसे काटते हुए चला जाएगा, ये आपस में थोड़ा सा तिरछा हो गया है दोस्तों, ये 2 और 6 को काटते हुए ऐसे निकल जाएगा। अंडरस्टूड, ये आपका ग्राफ बना, ऐसे आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ऐसे ग्राफ बनते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक बार फिर से देख लेंगे, y इक्वल टू 3x-6 था, तो एक्स वाई, एक्स का मान एक बार 0 रखने -6 आया, वाई का मान 0 रखने पे 2 आ गया, ओके। उसके बाद ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एंड वाई पॉजिटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव, एंड ये एक्स डैश एंड वाई डैश आपका निगेटिव, ओके। तो वही रख दिए, एक्स का मान जब 0 और 6 पे ले गए, तो ये देखिए 0 और 6 हो गया, और यहाँ पे 2 एंड 0 वाई का मान हो गया, दोनों को मिला दिए, बात। चलिए फर्स्ट वाला लीनियर वाला आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे सेम एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, सेम वो भी वैसे रहेगा। चलिए ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक, सेकंड आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या आपके दे रहे हैं, जैसे एक दे दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, लिखेंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिख लेंगे, 3x-4, आपको ये क्या किया गया है, दे दिया गया है वाई इक्वल टू 3x, फिर आपको बताया गया है इसी के रिलेटेड आपको ग्राफ बनाने होंगे, तो आप क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर -3x+-4, तो सेम ऐसे कंडीशन होगा, आप टेबल बना लीजिए, टेबल बन गया, एक्स वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, एक्स इक्वल टू जब 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें एक्स वाई इक्वल टू 0^2-3×0-4 होगा, क्या 0 -0 -4 बचेगा, क्या वाई इक्वल टू -4 बचा, तो x 0 रखने पर y -4 आता है, फिर y का मान 0 रखने पर यहाँ पे देखेंगे इसी से रिलेटेड y का मान आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, इसी इक्वेशन से 0 इक्वल टू x² -3x-4 इतना आता है। अब इसे क्या करेंगे, इसे तो दो खंडों में इसका गुणन खंड कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे हम, गुणन खंड कर लेंगे, कैसा डिवाइड किया जाए कि आपका ये बीच वाला ऐसा किया जाए कि उसको दोनों को जोड़ने पर 3x आ जाए, और ऐसी संख्या लिया जाए कि जोड़ने पर 3x और मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए, तो होता क्या है कि आप देख लेंगे ये 4, जैसे 4 में 4x+4 इतना करते हैं, तो ये जब घटाएंगे तो -3x आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, एक्स तो ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा, तो चलिए ऐसा इक्वेशन हम बनाते हैं, तो वो क्या जाएगा, इम्प्लाइज दैट x²-4x+4-4=0, ये वाला 0 जो है y का मान लास्ट में रख लेते हैं, यही y का मान हम लास्ट में 0 रख लेते हैं। अब चलिए अब देख लेते हैं, अब ये ऑलरेडी क्या हो गया आपका फैक्टर बन चुका है, यहाँ पे सॉरी x होगा,
तो -4x में x माइनस करेंगे -3x हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। x कॉमन लेते हैं इन दोनों के बीच, तो होगा क्या, x -4, फिर यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है संख्या, +1 लेंगे, तो x -4 इक्वल टू 0। हो क्या गया है कि दोनों में कॉमन x माइनस फोर है, चलिए लिख लेते हैं दोनों ब्रैकेट का। फिर इसका क्या है, x प्लस वन एक बचा हुआ है, x प्लस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर सकते हैं इसको कि x माइनस फोर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, जब माइनस है तो आपका इक्वल के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यानी कि इक्वल के उस साइड गया, तुरंत अपोजिट हो गया। एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स इक्वल टू -1। अब चाहे एक्स का मान आप 4 रखिए या फिर 1 रखिए, ये आप पर निर्धारित रखता है, क्या रखता है ये आप पर, तो हम चलिए 4 ही रख लेते हैं, प्लस में 4 रख लिए, 4 भी रख सकते हैं, -1 भी। ओके, अब ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, ये आपका मूल बिंदु ऑलरेडी 0 है ही, ये पॉजिटिव से हो जाएगा आपका 2, 4, 6 हुआ। अब यहाँ पे -2, -4, -6 ये मूल बिंदु है, 2, 4, 6। फिर यहाँ पे करेंगे -2, -4, -6 हुआ। अब बात क्या कह रहा है कि जब x का मान 0 और y का -4 हो, x का मान ये x अक्ष है, ये x डैश, y y डैश, तो x का मान 0 हो, चलिए ये 0 मान लेते हैं, तो y का मान -4 होगा, किस साइड है y का मान, ये देखिए नीचे के साइड, यहाँ बताया गया है, यानी कि ये ऐसे रेखाएं गई हैं। तब यहाँ पे जब हम लिखेंगे x का मान 0 कामा y का मान -4, चलिए ये लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि y 0 हो, चलिए y 0 हो और x आपका 4 हो, यहाँ पे x 4 हो, तो जब x y सबसे पहले आता है तो x का मान आपका यहाँ पे 4 दिया गया, y का मान 0, 4 कामा 0। अब इसे हम क्या करते हैं, ऐसे ले जा करके 4 से 4 को मिला देते हैं, ऑलरेडी आपका 4 से 4 क्या मिल हो जाएगा, मिल जाएगा। फोर को फोर ये पॉइंट जिसको काटते हुए जाती है, तो आई गेस ये वाला ऐसे क्यूबिक वाला भी बनेगा दोस्तों, तो आई गेस आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो सिर्फ चैप्टर 2 का था, जब 2.1 की बात करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इंट्रो बता करके आपको साथ में 2.1 एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करवाया जाएगा। आफ्टर दैट लेक्चर में आपको 2.2 दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़िए।